और भाई क्या हाल है? आज की तारीख है मार्च 2, और आज वेंसडे है। तो ये जो कहानी है ये शुरू होती है पिछले के पिछले सैटरडे को, अराउंड 19 फरवरी को शुरू होती है। तो शाम को मुझे पता चलता है कि मेरा जो रूममेट है एंड्रे, आप लोगों ने देखा है उसको पहले वीडियोस में, वो कोविड पॉजिटिव आया था। और उसने मुझे बताया, उसने पीसीआर टेस्ट की थी, रैपिड पीसीआर टेस्ट, तो उसने उसमें बताया मुझे कि वो पॉजिटिव है। तो हमने जो भी मेजर्स लेने थे, सोशल डिस्टेंसिंग और हर चीज़ सैनिटाइज करना शुरू कर दिया था, मास्क पहनना घर में, सब कुछ शुरू कर चुके थे। फिर उसकी माताजी घर पे आती है उसका ख्याल रखने के लिए। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उन्हें भी पॉजिटिवनेस, मतलब कोविड के सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो उन्होंने भी मेडिकेशंस लेना शुरू किया, उन्होंने भी विटामिंस और जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जिस तरीके से लिया जाता है सब कुछ शुरू किया उस तरीके से। मुझे पता था कि शायद मेरे पास भी आएगा, आज नहीं तो कल। मैं भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में प्रिपेयर्ड था कि हाँ चलो हो सकता है, चांसेस है, तो बेटर है चीज़ें ऑलरेडी लेके आते, सारी दवाइयाँ या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, विटामिंस है, लेके आते और प्रिपेयर्ड रहते जो भी आने वाला है उसके लिए। और सब लोग वैसे ही थे। लकीली मुझे कोई सिम्टम्स आए नहीं, और आज ऑलमोस्ट 2 हफ्ते ख़त्म होने आ रहे हैं। सीन ये हुआ कि एंड्रे तो चलो फिर भी ठीक हो गया था, करीबन 1 हफ्ते में पूरा बैक टू नॉर्मल हो गया था वो एकदम। लेकिन उसकी मॉम आधे वीक, मतलब ऑलमोस्ट एंड ऑफ द फर्स्ट वीक पे थोड़ा इफेक्ट दिखाने लगी, और फिर 1 हफ्ते में वो भी काफ़ी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन दोबारा एक्चुअली बाउंस बैक हुई वो। तो सीन ये हुआ कि आज उनको काफ़ी बुखार हो रहा था, और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें ये पैरामेडिक्स को बुलाना है। तो मैंने कभी ना ही मैंने इंडिया में कभी एक्सपीरियंस किया है जब पैरामेडिक्स आते हैं और एम्बुलेंस वगैरह आती है, मैंने देखा है लोगों के घर पे आती हुई, पर कभी मैंने प्रैक्टिकली कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना ही मेरे किसी फैमिली मेम्बर को ज़रूरत पड़ी है, एंड टच वुड कभी ज़रूरत ना पड़े। बट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और वो यहाँ पर हुआ। मैं ऑफिस का काम कर रहा था, हालांकि ऑब्वियस है कि मैं आज वेंसडे है तो मैं ऑफिस का काम कर रहा, तो मैं ब्रेक लेके खाने गया था नीचे। तो इसकी माताजी मुझे पूछती है कि यहाँ का पिन कोड क्या है, तो मैंने उन्हें बताया क्या है पिन कोड। फिर उन्होंने बोला है कि मैं एम्बुलेंस को बुला रही हूँ। तो थोड़ा ऑब्वियसली डर तो लगेगा वहीं बंदे को कि जब तक पहले कभी देखी नहीं है, मतलब ऐसे आते हुए और एकदम से एम्बुलेंस की नाम ले लिए तो थोड़ा तो डर लगता है आदमी को। तो मैंने पूछा उनको कि क्या हुआ, आप ठीक हो एकदम, मतलब कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है? तो उन्होंने बोला कि मुझे बुखार आ रहा है और थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। तो मैंने सिर्फ सेफ्टी के लिए बुलाया है कि अगर लगे उनके ओपिनियन के हिसाब से कि चलो भाई नहीं मुझे जाना पड़े शायद हॉस्पिटल, तो वो उसकी सुविधा कर सके। ठीक है, तो मैंने कहा कि कितना टाइम लगेगा। तो हालांकि ये 911 कॉल नहीं था, इमरजेंसी कॉल नहीं था, ये एक नॉर्मल चेकअप के लिए था कि कैसा फील हो रहा है, वाइटल्स देखने के लिए था। तो इन्होंने एक हेल्पलाइन पे कॉल किया था और उन्होंने भेजी हुई थी ये पैरामेडिक की सर्विस। तो आधे घंटे के आसपास कुछ लगा उन्हें आने के लिए, जस्ट बिकॉज ये इमरजेंसी नहीं था। आई एम श्योर कि इमरजेंसी केसेस में ज़्यादा जल्दी आते होंगे, स्टिल no experience, but I anticipate that. Anyhow, जब वो आए, काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, काफ़ी अच्छा ग्रीट किया उन्होंने, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल फील कराया उन्हें और बाकी सारे मेम्बर्स को। ऑब्वियसली प्रिकॉशंस उन्होंने भी लिए थे, वो पूरा सूट पहन के आए थे अच्छे से, वो PPE सूट बोलते हैं मेरे ख्याल से वो, और मास्क वास्क पहन के, पूरा शील्ड वील्ड लगा के। और हमें भी बोला गया था कि दरवाज़ा खुला रखिएगा ताकि हम अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो तुरंत अंदर घुस सकते हैं। उन्होंने स्ट्रेचर ऑलरेडी बाहर रेडी रखा था अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें ले जाने के लिए।
साथ साथ उन्होंने हमें भी कहा था कि सब लोग मास्क पहन के रहिए क्योंकि ये कोविड का केस है। उन्होंने ऑलरेडी उसकी मॉम से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी उनके बारे में कि क्या है कैसा है वगैरह वगैरह। जब वो आए उन्होंने तुरंत इनका टेम्परेचर चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया। उसके बाद ऑब्वियसली उनके पास वैसे डिवाइसेस थे जिसपे उनके वाइटल्स दिख रहे थे, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सब कुछ, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह सब कुछ। तो ओनली थिंग इज कि डॉक्टर नहीं होते उनके साथ, तो उन्हें कोई उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं होती है जो डॉक्टर के पास होगी, बट एक बेसिक फर्स्ट एड और उससे थोड़ा ऊपर लेवल की ट्रेनिंग ही, कौन सी दवाई लेनी ठीक रहेगी, कितना क्या चीज़ खाया जाना चाहिए क्या नहीं खाना जाना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते। तो सीन ये हुआ कि मैं सीढ़ियों पे खड़ा था, मैं देख रहा था कि क्या होने वाला है। मैंने सोचा था वीडियो लूँगा लेकिन उस पॉइंट पे मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि मुझे नहीं पता कौन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, सो मैंने नहीं लिया जानबूझ के। बट मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ सबके साथ और शायद किसी के काम आए, आई होप सो। बट एनीवे कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो उन्होंने सारे वाइटल्स वगैरह चेक किए उनके और फिर उन्होंने बोला कि किस तरीके का खाना खा रहे हैं आप, सारी हिस्ट्री चेक करने की कोशिश की कि कोई इसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है या कौन से मेडिकेशंस ले रहे हैं। और हालांकि एंड्रे और उसकी मॉम दोनों प्रॉपर मेडिकेशंस ले रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, सब कुछ। तो जैसे यहाँ पर कनाडा में, जैसे इंडिया में क्रोसिन और पैरासिटामोल बहुत फेमस है किसी भी बुखार के लिए, हम लोग यूजुअली वही प्रेफर करते हैं, तो वैसे यहाँ पे टाइलेनॉल और एडविल नाम की दवाई है। उन्होंने ये रेकमेंड किया जो मुझे बहुत ही, मुझे एक्चुअली पता नहीं थी ये बात, और मैं ऐसा बंदा हूँ जो ज़्यादा दवाइयाँ लेता नहीं, कोशिश करता हूँ कि ना लेने की जरूरत। उन्होंने एक चीज़ रिकमेंड की जो शायद किसी के काम आए, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना, मैंने सिर्फ उनकी सुनी हुई बात ही बता रहा हूँ यहाँ पर, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार चेक कर लेना ये करने से पहले। बट स्टिल सर, उन्होंने कहा कि अगर आपको बुखार आ रहा है और वो नीचे नहीं उतर रहा है तो हर 4 घंटे में टाइलेनॉल नामक दवाई लीजिए, 1000 मिलीग्राम की थी मेरे ख्याल से, बट हाँ उन्होंने कहा था कि टाइलेनॉल लीजिए हर 4 घंटे में, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स उतने सीवियर नहीं हैं क्योंकि वो डोज उतना हैवी नहीं है। वंस अगेन, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, मैं फार्मासिटी का भी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बस उन्होंने जो कहा था उसी चीज़ को आपके पास पहुँचा रहा हूँ। सो उन्होंने कहा कि जैसे इनका बुखार नहीं उतर रहा था और काफ़ी वीक फील हो रहे थे इनको, तो हर 4 घंटे में, 4 से 6 घंटे में टाइलेनॉल लेते रहे, उसके बाद आपकी बॉडी थोड़ी उस बुखार से फाइट करने में हेल्प करेगी, टेम्परेचर थोड़ा डाउन जाएगा, थोड़ी भूख लगेगी क्योंकि ये खाना भी बहुत कम खा रही थी। इसके साथ अगर एक और दवाई ले सकते हो आप है वो है एडविल। एडविल थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको कुछ खा के लिया जाए तो बेटर पड़ेगा क्योंकि वो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी बेसिकली लड़ने के लिए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, मतलब जो पॉइंट उन्होंने बताया उस हिसाब से, क्योंकि ये मुझे पता नहीं था पहले। जैसे इंडिया में अपने तरीके पता है मुझे कि किस तरीके से किया जाता है, लेकिन यहाँ की दवाइयाँ थोड़ी डिफरेंट है, डोज थोड़ी डिफरेंट है, पता नहीं हमें उसके रिएक्शंस कैसे रहेंगे बॉडी पे वगैरह। तो मुझे याद है मैंने टाइलेनॉल यहाँ पर आने के बाद एक ही बार लिए, केवल एक बार लिए, वो जब मैंने सेकेंड डोज लिया था कोविड का, एंड उस वक्त मुझे बहुत सिर दर्द दे रहा था, तो तब जाके मैंने इसका उपयोग किया। हालांकि ये उसके बाद मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, एंड टचवुड कभी ना पड़े होपफुली, बट नेवरदलेस। सो और उसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी हमारे क्वेश्चंस जो थे कोविड को लेके या फिर नॉर्मल इनकी सिचुएशन को लेके, वो सारों को अच्छे से एड्रेस किया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ मैंने नोटिस की, जैसे ये आपको एक चॉइस दे रहे हैं अभी इस सिचुएशन पे, क्योंकि उनके वाइटल्स नॉर्मल है, उनको बुखार है लेकिन उनके वाइटल्स सारे नॉर्मल थे,
तो उन्होंने उनको चॉइस दिया कि आपके पास चॉइस है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, अंडर ऑब्जर्वेशन जाना है, या फिर आपको प्रिफर है कि आप घर पे रह के थोड़ा ख्याल रखें। और उन्होंने समझाया भी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और डेफिनेटली डिसीजन उनका खुद का था, मतलब एंड्रे के मॉम का था। और जो पैरामेडिक्स हैं वो सिंपली उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे कि हाँ ठीक है, अगर लेने जाने बोला तो स्ट्रेचर रखा हुआ है बाहर, वो आराम से उनको बिठाएंगे एम्बुलेंस में और वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाएंगे। लेकिन अगर उनका उनकी मर्जी है कि नहीं जाना है हॉस्पिटल, तो वो ऐसा कुछ फोर्स नहीं करेंगे और ना ही आपको किसी तरीके से धमकाने की कोशिश करेंगे कि नहीं भैया आपको जाना तो पड़ेगा या नहीं तो ये हो जाएगा फलाना ढिमका। आई थिंक वो डिसीजन तब ले सकते हैं, ये मेरा अनुमान है, मैं श्योर नहीं हूँ, कि जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो या फिर ऐसी हो कि इसको डेफिनेटली डॉक्टर की ज़रूरत पड़े, तो इस सिचुएशन में शायद वो बोलते होंगे कि हाँ आप बेटर है कि एडमिट हो जाइए वगैरह। सो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली। एंड एक और बात कि जब वो जा रहे थे उन्होंने एक फॉर्म पे साइन कराया कुछ रिफ्यूज़ल टू एडमिट या ऐसा कुछ नाम था उसका। तो बेसिकली उसमें ये होता है कि आपने अपने मन से चूज़ किया है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है। काफ़ी मतलब प्रॉपर लीगल तरीके से, एंड ऑब्वियसली मैं समझता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके सिर पर भी, पर इसी किसी भी एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ नोटिस की, उन्होंने किसी भी तरीके का दबाव या फिर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं की। काफ़ी अच्छी सर्विस थी, एंड उन्होंने ऑब्वियसली डिटेल्स लिए, जो हेल्थ कार्ड हमें यहाँ पे मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो बोलते हैं ना कि कैनेडियन मेडिकल सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, वो बेसिकली बिकॉज ऑफ हेल्थ कार्ड। तो हेल्थ कार्ड हर एक फुल टाइम वर्कर को मिलता है यहाँ पर, तो आप पीआर हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप फुल टाइम यहाँ पर काम कर रहे हो तो आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा। आपको अप्लाई करना पड़ता है, और स्टूडेंट्स को तो यूनिवर्सिटी की तरफ से रहता है, लेकिन उसके बाद आपको हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट का लेना पड़ता है। सो इवन मैंने भी लिया हुआ है, तो उस सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल से इनका एक छोटा सा बिल आता है अराउंड कुछ $30-40 का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आपको डायरेक्टली पोस्ट पे आता है कि आपको ये पैसा भरना है क्योंकि आपने सर्विस बुलाई थी। क्योंकि हो सकता है कि हेल्थ कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ सर्टन चीज़ें इंक्लूडेड हो, कुछ ना हो, सो आई थिंक उसमें इनकी कुछ चीज़ें आती होगी, कुछ नहीं आती होगी, बट नेवरदलेस जो भी रहेगा आपको वो थोड़ा बिल पे करना पड़ता है। सो ये मेरा एक बहुत ही मतलब एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, और एक कॉन्फिडेंस सा आ गया कि हाँ मतलब आपको टेंशन नहीं है यहाँ पर बुलाने के लिए, इवन दो कि ये 911 कॉल नहीं था स्टिल। और उन्होंने आया, जो सर्विस दी है मतलब यार बहुत सही थी, कोई परेशानी नहीं, ढंग से उन्होंने सारी कंसर्न्स सुनी, जो भी परेशानी एंड्रे को या उसके मॉम को होगी वो उस चीज़ों को सुना, अच्छे से समझा, और अपने प्रोफेशनल ओपिनियंस दिए उन्होंने, जो बहुत ही मतलब बहुत काम के हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगे होपफुली। तो उन्होंने उनको दवाई दी, टाइलेनॉल दिया ताकि बुखार उतरे, और जाने से पहले दोबारा उन्होंने टेम्परेचर चेक किया और कहा कि हाँ ये चीज़ें आप खाइए या ऐसी चीज़ें थोड़ा बॉडी में डालिए, जैसे सूप फॉर एग्जांपल, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट पीजिए वगैरह वगैरह चीज़ें। और एक और ऑप्शन दिया कि अगर ऐसा होता है कि आपको फिर भी ठीक ना लगे तो तुरंत फ़ोन कीजिए, हम लोग आ जाएंगे। और अगर आपको ऐसा भी लग रहा हो कि नहीं भाई मुझे जस्ट टू कंफर्म मुझे हॉस्पिटल में जाना चाहिए ताकि मैं डॉक्टर से बात करूं तभी जाके मुझे चैन मिले, तो ठीक है, उस चीज़ के लिए भी ये आएंगे और आपको लेके जाएंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे एक इंटरेक्शन था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, जो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, क्या पता शायद किसी को ज़रूरत पड़ जाए आगे फ्यूचर में। सो जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि यार ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है जो हम यूजुअली सोचते हैं। जैसे मैं सोचता था ऑनेस्टली कि एम्बुलेंस आ गई तो मतलब भाई यार बहुत गड़बड़ वाली बात है, कोई तो बहुत ही सीरियस हो गया,
लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर उतना सीरियस कुछ भी नहीं था और कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। कुछ नखरे नहीं दिखाए, कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं किया, उल्टा अच्छे से एडवाइस भी दी कि हाँ चलिए अगर आपको लगे कुछ गड़बड़ तो डेफिनेटली आप दोबारा कॉल कीजिए। सो डेफिनेटली बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही लर्निंग कर्व था मेरे लिए ये। और या सो होपफुली शायद किसी के काम आए। और या सो दैट्स इट। तो आई होप आपको ये वीडियो देख के कुछ सीखने मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। और वंस अगेन थैंक यू सो मच सबको जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, एंड जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से जब भी मन करे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लेट मी नो अगर आपको किसी टॉपिक पर मेरा वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पर मैं रिसर्च करूँ या कुछ, लेट मी नो। मैं ब्लॉग्स भी अभी लिखना शुरू कर रहा हूँ, मैंने वेबसाइट मेरी लॉन्च की हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो मेक श्योर यू विजिट इट। एंड उस पर भी मैंने ब्लॉग्स लिखे हैं काफ़ी, मतलब रैंडम टॉपिक्स पे भी होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कुछ ऐसा है कि आपको कुछ जानना है और चाहिए कि मैं उस चीज़ पर रिसर्च करूँ या आपको उस इन्फॉर्मेशन दूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं वीडियो बनाऊँगा या फिर ब्लॉग लिखूँगा, जो भी जैसा बनता है। और तब तक के लिए फिर चलो मिलते हैं, बाय।